वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे, जो थर्ड टॉपिक है यूनिट मेजरमेंट का, जो इम्पोर्टेंट है बट इतना नहीं है ये। अगर कहा जाए तो 10 ईयर में एक या दो बार क्वेश्चन आएंगे इसके कॉम्पिटिशन, बट मोस्टली यानी 90% जो क्वेश्चन हैं वो यूनिट मेजरमेंट में जो है वो डायमेंशन एनालिसिस और एरर से ही आते हैं। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल्स मेथड है क्या। कुछ ऐसे डिस्टेंस है जो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, यानी यहाँ से अर्थ से सन की डिस्टेंस, अर्थ से मून के डिस्टेंस, यानी कि हमने स्केलियो सीधे मेजर कर दिया। तो इनडायरेक्टली कैसे मेजर किया जाता है उसके लिए मेथड है पैरेलेक्स मेथड। इस मेथड को समझने से पहले एक छोटा सा आइडिया दे रहे हैं आपको, सर्कल वाला कंसेप्ट, उससे आपको समझ आएगा कि बहुत ईजी है ये। जैसे सर्कल मैंने बनाया, ओके, आपको ये याद है सर्कल का सेंटर होता है, ये सर्कल का सेंटर है और सर्कल का रेडियस कुछ होगा, तो ये सर्कल का रेडियस है यानी ओ पॉइंट कह दिया और ये ओ ए रेडियस हो गया। अब आपको पता है कि मैं पूरा घूम करके यहाँ पहुँचूँ तो कितना एंगल डिस्क्राइब करूँगा, एंगल डिस्क्राइब करूँगा मैं 360 डिग्री पूरा घूमना। अभी 360 को डिग्री को 2 पाई रेडियन कहते हैं, 360 2 पाई रेडियन, और 2 पाई वाला कंसेप्ट कहाँ से आया, अगर ऐसे पूरा जाएंगे आप ऐसे तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, तो यहाँ जो डिस्टेंस होगा एस इज इक्वल टू 2 पाई आर होगा। ये जो 2 पाई है वो 360 एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि 2 पाई यानी 360 डिग्री और आर। अब अगर मैं ओ ए और ये स्मॉल ए ले रहा हूँ यहाँ पे, ये ओ बी, ये मान लो ये भी आपको दिखे इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ए और बी, ए से बी ये आपका जो आर के इसको एस ले लिया जाए और ये एंगल थीटा ले लिया जाए और ये थीटा एंगल 2 पाई की जगह थीटा लिख दिया जाए, तो ये थीटा लिखें या आर थीटा लिखें, ये फॉर्मूला बन गया ना एस इक्वल टू आर थीटा, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। और अगर पूरा घुमा के लिया जाए, पूरा आपका रोटेशन दिया जाए सर्कल मोशन में, तो ये आर थीटा की जगह 2 पाई हो जाएगा फुल कंप्लीट रोटेशन के लिए, तो ये एस इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा। तो यानी ये कंसेप्ट है, तो एस इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है पैरेलेक्स मेथड में, ये 2 पॉइंट होते हैं, इस पॉइंट से आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इस पॉइंट से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और इन दोनों पॉइंट को बेसिस पॉइंट कहते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है, इसको पैरालेप्टिक एंगल कहते हैं। अब इसको समझते हैं इसलिए कैसे अप्लाई किया जाता है। तो लेट ये दोनों पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं अर्थ पे, कोई दो पॉइंट जहाँ से हमें सन को ऑब्जर्व करना है, तो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ले लेते हैं। लेट हमें गिवन है, क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको कि ए और बी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, दैट मीन्स ए और बी क्या हो गया, डायमीटर हो गया, और यहाँ पे बहुत दूर आपको सन क्या है पॉइंट नजर आएगा, या मून मान लो, मून या सन ले लो, ए पॉइंट से आप देख रहे हो यहाँ से, ये इस मून या सन को मान लो, चलो मून ले लेते हैं, ये मून है, वैसे ही बी पॉइंट से भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये जो ए और बी पॉइंट है दैट इज कॉल्ड बेसिस, और ये एंगल होगा बहुत स्मॉल, दैट इज कॉल्ड पैरालेक्टिक एंगल, पैरालेक्टिक एंगल, ठीक है। और ये ए बी बेसिस को उसको बी लिख देता हूँ मैं, और ये जो है वो डिस्टेंस को डी, ये यहाँ से भी डी होगा, यहाँ से भी डी होगा। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा एस को आर थीटा, तो वहाँ पे एस की जगह बी हो गया, आर की जगह डी हो गया, और अगर ये आप मान लिया जाए कि ऐसे करके सर्कल, इसको सेंटर मानते हुए सर्कल बनाए, तो वैसा ही कुछ है, तो यहाँ पे एस की जगह बी हो जाएगा और आर की जगह डी हो जाएगा और थीटा, ये फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू डी थीटा, यानी डी निकालना हो तो वो बी अपॉन थीटा होगा, ये है। तो आपको बी गिवन है, बी डायमीटर ऑफ द अर्थ गिवन है, यहाँ पुट कर देंगे, एंगल गिवन होगा पुट कर देंगे डी आ जाए, बट एंगल ध्यान रखना है रेडियन के टर्म में, जैसे अगर एंगल बहुत छोटे होते हैं तो डिग्री के पास और स्मॉल वैल्यू मिनट में होंगे, मिनट में फिर सेकंड में होंगे, तो आप आपको बता देते हैं कि थीटा कैसे पुट करते हैं। 1 डिग्री दिया हो तो क्या लिखेंगे, तो आपको पता है कि 360 डिग्री अगर 2 पाई रेडियन लिखेंगे तो 1 डिग्री क्या लिखेंगे, 2 पाई अपॉन 360 लिखेंगे, ओके। तो 1 डिग्री लिखा होगा तो आप 1 डिग्री की जगह ये लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पुट करने से पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। अब आपको 1 डिग्री को हम कहते हैं 60, 1 डिग्री को हम कहते हैं 60 मिनट, एक लाइन है मिनट, तो 60 मिनट यानी 2 पाई अपॉन 360। अगर आपको एंगल और स्मॉल दिया है तो 60 मिनट की जगह 1 मिनट दिया हो तो 1 मिनट कितना होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू,
अगर 60 मिनट अगर इतना है तो 60 को इधर भेज दो, 1 मिनट इज इक्वल टू 2π/360 into 60 रेडियन। अच्छा अगर आपको सेकंड में दिया हो तो 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकंड, सेकंड में डबल लाइन होती है, यहाँ पे देखो 60 डबल लाइन होती है, तो ये हो गया 2π/360 into 60, क्योंकि हमने 1 मिनट को क्या लिखा, 60 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड निकालना हो तो 60 यहाँ चला जाएगा, 2π/360 into 60 into 60। ओके, यानी कि अगर आपको कहीं बहुत स्मॉल एंगल दिया हो, वो भी 1 सेकेंड दिया हो, तो 1 सेकेंड की जगह ये रखेंगे, 1 मिनट दिया हो तो ये रखेंगे, 1 डिग्री दिया हो तो ये रखेंगे, यानी कि आपको डिग्री डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में नहीं पुट करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, देन आपको यहाँ पुट करना है। और ये बी गिवन होगा, यानी बी क्या है, वो टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहाँ से उस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, दैट इज अब एंगल जो बन रहा है वो पैरेलेप्टिक एंगल, और ये जो टू पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है बेसिस से बी आया है, ये बेसिस पॉइंट है। अच्छा पैरेलेक्स क्यों, पैरेलेक्स में होता क्या है कि हम टू डिफरेंट पॉइंट से अगर देखते हैं तो बैकग्राउंड कुछ और नजर आता है। जैसे मैं एक आई क्लोज करूँ और मैं एक मार्कर ले ले रहा हूँ, इस मार्कर का जो बैकग्राउंड देखूंगा तो मुझे कुछ और नजर आ रहा है एक आई से, यानी इस पॉइंट से, और अगर मैं इधर से देखूंगा तो इस पॉइंट से बैकग्राउंड चेंज हो गया, तो डिफरेंट पोजीशन से डिफरेंट बैकग्राउंड नजर आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पैरेलेक्स। इसको इसी वजह से पैरेलेक्स मैथड कहते हैं, तो क्योंकि टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ पॉइंट से, टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो इसका बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, तो उसको पैरेलेक्स कहते हैं, और इस मैथड को पैरेलेक्स मैथड कहा जाता है, जिसमें हम वेरी लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करते हैं जो कि इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। देखो हमने डायरेक्टली जाकर मेजर नहीं किया मून को, हमने एंगल की हेल्प से मेजर किया, और ये एंगल कैसे मेजर करेंगे इसको भी समझते हैं कि ये एंगल कैसे दिख जाएगा हमें। तो हम क्या करते हैं, ये एंगल मेजर करते हैं 5 1, ये एंगल मेजर कर सकते हैं, कैसे मेजर करते हैं। अब आप ए पॉइंट, जैसे मैं इस रूम में ही हूँ और मैं एक पॉइंट ए इधर ले रहा हूँ, इधर से एक पॉइंट वन डॉट बना रहा हूँ एक वॉल पे, मुझे वॉल का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं इसे जो भी मेरे पास टेलीस्कोप है उसको मैं ऐसे करके मूव करूंगा, तो मैंने कितना मूव किया 5 1, मैं बी पॉइंट पर गया, बी पॉइंट से मैंने कितना मूव किया 5 2, तो ये 5 1 और यहाँ बी पॉइंट से मैंने मूव किया 5 2, मूव करके कहाँ फोकस किया, मूव करके उस पॉइंट पे फोकस किया, तो ये 5 1 और 5 2 का जो सम होता है वही ये थीटा होता है, यानी 5 1 + 5 2 = θ। तो ये एंगल कैसे आता है, पैरेलेप्टिक एंगल, यस ये 5 1 + 5 2 से आता है। अब आपको क्लियर नहीं क्लियर है तो दोबारा वीडियो को प्ले करके देखो कि मैंने क्या बोला है। तो ये एंगल भी मेजर कर लिया और इस कंसेप्ट डिस्टेंस भी मेजर कर लिया, तो एक बार आप जरूर देख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, और हमारा जो कॉम्पिटिशन बेस होता है उसमें कंसेप्चुअल बेस होता है, यहाँ पे तो कंसेप्ट ज़्यादा नहीं, फॉर्मूला है बस, कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, इसलिए इन क्वेश्चंस को ज़्यादा नहीं दिया जाता है कॉम्पिटिशन में भी, बस नॉलेज के लिए है कि इनडायरेक्टली हम पैरेलेक्स मेथड की हेल्प से लॉन्ग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, चाहे वो अर्थ और सन मून के बीच में हो, अर्थ या सन के बीच में हो, या किसी भी प्लैनेट और सन के बीच में हो, वो मेजर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप रिवाइज कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंगली नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है एक दो बस वही आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।